शतक भले ही चूक गया अफगानी पठान, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार मार कर बुरथा बना दिया। जी हां दोस्तों, आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के 22वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने 88 गेंदों की दमदार पारी खेली। जादरान अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वो चूक गए। जादरान ने अपने इस पारी में 10 बेहतरीन चौके लगाए। मैच में उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ पारी की शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 130 रनों की दमदार साझेदारी भी की थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने अर्धशतक की पारी खेली। गुरबाज के साथ मिलकर जादरान ने पारी के पहले ही ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। शुरू के 22वें ओवर तक पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाजों का पारी में दबदबा रहा। हालांकि शाहिन अफरीदी अपने दूसरे स्पेल में साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन जादरान रुकने के मूड में नहीं थे। विकेट गिरने के बाद भी जादरान ने लगातार चारों दिशाओं में शॉट लगाया और अपने शतक के करीब पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हसन अली की गेंद पर वह मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं सिर्फ 282 रन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के मैच में इस मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत हालांकि कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्लाह शफीक ने टीम के लिए मोर्चा संभालने का काम किया। वहीं उन्हें साथ मिला कप्तान बाबर आजम का। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए अर्धशतक जड़ा। वहीं अंतिम ओवर में शादाब खान और इफ्तिखार खान ने मिलकर 80 रन जोड़े। हालांकि इनके आउट होने के बाद अफगानी गेंदबाजों को आपसी का मौका मिल गया और इनका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई के बैटिंग सरफेस पर अब पाकिस्तान सिर्फ 300 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आज के इस मैच को कौन सी टीम अपने नाम कर पाएगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।